इंडियन मिलियनेयर अडानी की मुश्किलें अब थोड़ी और बढ़ गई हैं, क्योंकि जो उन पर केस चल रहा है उसमें 21 विदेशी संगठन अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने सीजीआई को पत्र लिख दिया है। और उन पर आरोप क्या है? कोयले में गड़बड़ी के आरोप हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप देखेंगे, पहला, अडानी केस में ये 21 विदेशी संगठन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच गए हैं, सीजीआई को क्या पत्र लिखा है और आखिरकार क्या बोला है। दूसरा, जो फिनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है उसमें अडानी पर क्या क्या आरोप लगे हैं, कौन से घोटाले सामने लाए हैं एविडेंस के साथ इस रिपोर्ट में, क्या आरोप है वो भी आप जानेंगे। तीसरा, रिपोर्ट दिखाकर आखिरकार राहुल क्यों गुस्सा हो गए। चौथा, अडानी का रिपोर्ट पर जवाब क्या आया है, अडानी ग्रुप ने पूरी पूरी सफाई दी है इस मामले पर। और पांचवा, अडानी शेयर पर इस पूरे मामले से कितना फर्क पड़ा है। तो नमस्ते, मैं हूं रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आपको यही जानना है कि अडानी केस में ये 21 विदेशी संगठन आखिरकार सीजीआई को पत्र क्यों लिखा है उन्होंने और उन्होंने क्या बोला है। तो देखिए, सीजीआई को पत्र लिखा गया है, अडानी ग्रुप के पेंडिंग केस जल्दी निपटाओ, ये पत्र इसलिए ही लिखा गया है कि जो इनके ऊपर केस हैं, जो अडानी मामले पर पूरी जाँच चल रही है, जो भी सारा मामला पेंडिंग है उसको आप जल्दी निपटाओ, कोल इंपोर्ट के ओवर वैल्यूएशन पर जांच। देखिए, आरोप यही है कि आपने सस्ता वाला जो कोयला है वो ओवर वैल्यूएशन के द्वारा, ओवर वैल्यूएशन करके उसको महंगे में बेचा है और उससे भारत के लोगों को परेशानी हुई है। ये पूरा आरोप है फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के आधार पर। कोल रिपोर्ट के ओवर वैल्यूएशन पर जाँच हो रही है और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने केस दायर किया है। और पत्र में 21 विदेशी संगठनों ने आखिरकार क्या लिखा है कि देखिए, फॉसिल फ्यूल का निरंतर उपयोग गलत है। और जब एफटी रिपोर्ट ने सारे सारे फ्रेश एविडेंस दिखाए हैं, सबूत दिखाए हैं, तो आखिरकार ये पूरी जांच है वो जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि आरोप यही है कि लो ग्रेड कोयलों की हाई वैल्यू में उनको बेचा गया है अडानी ग्रुप की तरफ से। और किसने ये आरोप लगाए हैं, तो देखिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, इसका मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताऊं तो OCCRP, ये जॉर्ज सोरोस बेस्ड के जो दस्तावेज हैं उसके हिसाब से फिनेंशियल रिपोर्ट ने ये पूरी पूरी जानकारी दी है। और उसके बाद विपक्ष ने भी इसको उठा लिया है और अब 21 विदेशी संगठन इस मामले में पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, तमिलनाडु की टेंगैडको के साथ लेन देन हुआ है, ये आरोप क्या है वो मैं आपको अगले पॉइंट में बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, द 21 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो देखिए, चीफ जस्टिस के पास पहुंची है, चंद्रचूड़ के पास। और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, बैंक ट्रैक, बॉब ब्राउन फाउंडेशन, कल्चर अनस्टेंड, एको, ये देखिए सारी मैंने आपके लिए लिख रखी है, फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ ऑस्ट्रेलिया, लंदन माइनिंग नेटवर्क, मैके कन्वर्सेशनल ग्रुप, मार्केट फोर्सेस, मनी रेबेलियन, मूव बियॉन्ड कोल। इसमें एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम ही स्टॉप अडानी है, सनराइज मूवमेंट। तो देखिए, ये सारी 21 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि पहुंची हैं। अब दूसरा, आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिरकार फिनेंशियल रिपोर्ट में ऐसा क्या था जो ये मामला इतना बढ़ चुका है। तो देखिए, लो ग्रेड कोयलों को हाई ग्रेड में बेचने का आरोप है और इसमें पूरी टाइमलाइन बताई गई है कि अडानी ग्रुप इंडोनेशिया से $28 प्रति टन में पूरा पूरा कोयला लेता है, लेकिन उसको तमिलनाडु में कितने में बेच देता है, 91.91, यानी आप देख लीजिए $92 प्रति टन पर यह बेचा जाता है। और इस पूरी रिपोर्ट में 2019 से 2021 में जांच की गई है 32 महीनों की, 30 कोयले शिपमेंट इसमें दिखाए गए हैं और बताया गया है कि कैसे ये रकम करीब 582 करोड़, यानी देखिए 582 इसमें करोड़ जो है बढ़ाई जाती है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि रिपोर्ट दिखाकर क्यों गुस्सा हुए हैं राहुल। तो राहुल ने तो इधर बता दिया है कि इसमें उन्होंने मांग की है संयुक्त संसदीय समिति से जाँच कराने की, और उन्होंने एक पोस्ट भी किया, वो पोस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये फाइनेंशियल टाइम्स का उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है और बोला है, भाजपा सरकार में भीषण कोयला घोटाला सामने आया है, वर्षों से चल रहे इस घोटाले के जरिए मोदी जी के प्रिय मित्र अडानी ने लो ग्रेड कोयलों को 3 गुने दाम पर बेचकर हजारों करोड़ रुपए लूटे हैं, जिसकी कीमत आम जनता ने बिजली का महंगा बिल भरकर
अपनी जेब से चुकाई है। क्या प्रधानमंत्री बताएंगे इस खुले भ्रष्टाचार पर ईडी, सीबीआई और आईटी को शांत रखने के लिए कितने टेम्पो लगे? 4 जून के बाद इंडिया की सरकार इस महा घोटाले की जांच कर जनता से लूटी गई पाई पाई का हिसाब लेगी, ये राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं। और अगर मैं कांग्रेस से पेज से आपको पूरा पूरा स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ तो इन्होंने ये बता रखा है, जैसे ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आती है तो कांग्रेस वालों ने बता रखा है कि देखिए कैसे जो है ये लो क्वालिटी कोल को हाई क्वालिटी कोल में बेचा गया और उसके बाद ये क्या होता है, इससे सीवियर एयर पोल्यूशन होता है और 22 लाख पीपल आर किल्ड ईच ईयर बाय एयर पोल्यूशन, मतलब एयर पोल्यूशन से 22 लाख लोग मरते हैं और ये पूरे इसके पीछे जो है ये अडानी प्रॉफिट कर रहे हैं, ये कांग्रेस का आरोप है। अब चौथा आपको ये जान लेना चाहिए कि अडानी का रिपोर्ट पर क्या जवाब आया है, पहले ये स्टेटमेंट सुनिए और फिर मैं आपको बताती हूं कि उनके शेयर में कितनी तब्दीली हुई है। अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। ग्रुप के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि कोयले की क्वालिटी की टेस्टिंग लोडिंग और डिस्चार्ज पॉइंट पर की गई, साथ ही कस्टम अथॉरिटीज और तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी टेजेडको ने ऑफिशियल्स के द्वारा स्वतंत्र रूप से भी क्वालिटी टेस्टिंग की गई थी। स्पोक्स पर्सन ने कहा सप्लाई किए गए कोयले की एजेंसियों द्वारा कई पॉइंट्स पर कई बार क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है, इस हिसाब से कम क्वालिटी वाले कोयले की सप्लाई का आरोप न केवल निराधार और अनुचित है बल्कि पूरी तरीके से बेतुका है। स्पोक्स पर्सन ने आगे कहा कि इसके अलावा पेमेंट भी सप्लाई किए गए कोयले की क्वालिटी पर निर्भर करता है जो टेस्टिंग प्रोसेस के जरिए निर्धारित होता है। अडानी ग्रुप ने यह भी कहा कि रिपोर्ट में दिसंबर 2013 में कोयला ले जाने वाले जिस जहाज का हवाला दिया गया है वो जहाज फरवरी 2014 से पहले इंडोनेशिया से कोयला शिपिंग के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया गया था। और अब पांचवा देख लीजिए कि जो इतना बड़ा बवाल हो गया है, इंटरनेशनल पूरे मामला इस पे जो है, इंटरनेशनल संगठन इसमें जुड़ गए हैं, तो आखिरकार अडानी शेयर पर कितना पड़ा है इसका असर, वो इस पॉइंट में आप समझ लीजिए। इन्वेस्टर्स यानी निवेशकों ने अडानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी की है। ये तेजी ऐसे समय पर आई है जब अडानी ग्रुप ने लंदन स्थित फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट को निराधार और झूठा करार दिया है। रिपोर्ट में आशंका जताई गई थी कि अडानी ग्रुप ने साल 2013 में निम्न स्तर के कोयले को हाई रेट के ईंधन के रूप में बेचकर धोखाधड़ी की है। अडानी ग्रुप की ओर से रिपोर्ट जारी होते ही इसके सभी शेयरों में शानदार तेजी आई। सबसे ज्यादा तेजी अडानी एंटरप्राइज के शेयरों में आया और ये 8.01% बढ़कर 3,391.20 रुपए पर बंद हुआ। आपको मैं ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट को दिए एक हलफनामे में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने पहले कोयला इंपोर्ट के ओवर वैल्यूएशन के लिए अडानी ग्रुप की जांच फिर से शुरू करने के लिए अपना रुख दोहराया था। मार्च 2016 की बात करें तो रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 2011 और 2015 के बीच में इंडोनेशिया से कोयला इंपोर्ट के ओवर वैल्यूएशन के लिए अडानी ग्रुप की कुछ कंपनियों के लिए जांच भी शुरू की थी। तो देखिए अब ये जो अडानी मामला चल रहा है इसकी जांच अब सुप्रीम कोर्ट को करनी है। और ये भी देख लीजिए क्योंकि ये सीजीआई को पत्र लिखा गया है, 21 विदेशी संगठन इसमें शामिल हैं, तो अब इस पे सीजीआई की टिप्पणी क्या होगी, एससी का फैसला क्या होगा, ये देखने लायक होगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।